पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हैं, उनमें 50 परसेंट डिस्काउंट होगा इंडिया अच्छा हो ये ट्रांसपोर्ट वगैरह और मेट्रो बसेस हो गई बसे, बसे स्पीडो स्पीडो वगैरह एक्जैक्टली मोड्स हैं उन सब इन ये अगर मैच ट्रांजिट की बात की पंजाब की बात करें तो मेरे ख्याल फैसलाबाद में तो नहीं है लाहौर में मुल्तान में मेजर सिटीज में है दो तीन exactly, तो उनमें अच्छा, मैं, तो मैं सफर करता रहता हूँ वहाँ पे क्योंकि ऑफिस वगैरह और यहाँ पे घर से मेन मेरा रास्ता वही है हुँ, हुँ। तो उसमें अभी तक जो फ्री फैसिलिटेशन दी गई है फ्री फैसिलिटी दी गई है वो बिल्कुल इसमें आपको स्टूडेंट अपना कार्ड दिखाएं को भी प्रॉपर्ट सर्टिफिकेट में कार्ड दिखाएं और वहाँ पे आपको जो फ्री जो ऑरेंज ट्रेन का है वो टोकन मिल जाएगा और ये अच्छी बात है कि आपने एक स्पेशल कोटा है जहाँ स्टूडेंट्स के लिए मुख्त किया था साथ आपने डिसेबल अफराद के लिए भी कर दिया बट क्या स्टूडेंट्स के लिए था फ्री है और किसी के लिए नहीं सी अभी अभी फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए था जी अच्छा ये अब डिसेबल पर्सन की बात कर ली जाए तो दो या तीन माह पहले शरियार अगर आपको याद हो काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुई थी और काफ़ी एक हजीमत का सामना करना पड़ा था मैं एज ए पाकिस्तानी आ, जब हमने ये देखा था कि ट्विटर पे काफी वीडियो ट्रेंड कर रही थी कि यहाँ से लोग उमरे की नीयत से जाते हैं या फिर कारोबार की नीत से जाते हैं सऊदी अरब वगैरह में तो वहाँ पे जाके अपना जो बैगर बन जाते हैं वहां पे बीग बीग वगैरह मांगना शुरू कर गा वगैरह बन जाते हुँ, हुँ, हैं वहाँ पे तो ये काफी वीडियो वायरल हुई और इस हवाले से काफी एक्शन भी लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से तो हजारों लोग रिपोर्ट वगैरह हुए रिपोर्ट की गए और इसी हवाले से एक जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसने पार्लियामेंट्री पैनल जो था उसकी मीटिंग हुई उसमें बताया कि ढाई uh, साल के अरसे में पिछले ढाई साल में चुड़तास हज़ार के करीब ऐसे लोग डिपोर्ट किए गए हैं जो सऊदीया पे ट्रैवल कर रहे थे जिनकी नीयत ही सिर्फ यही थी कि वहाँ पे जाकर उन्होंने एक मुल्क की इमेज खराब करनी है और भीख मांगनी है वहाँ so उम्र के वीज़ा पे जा रहे थे उम्र के वीज़ा पे, भीजा पे भीजा जा रहे थे भीख मांगने के लिए जा रहे थे वहाँ पे तो उसमें साथ ये भी बताया गया है कि साथ जो उसमें जो पार्लियामेंट्री पैनल था उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी थी साथ नादर के ऑफिशियल्स भी थे तो की कमेटी मीटिंग थी पूरी कमेटी मीटिंग थी उसमें पार्लियामेंटली जो पैनल है उसने डायरेक्ट किया है फॉरेन ऑफिस को आप प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस करें जिसके बाद ये जो एक मुल्क को एक जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाने वाले हुँ। जो अफराद है उन पे सख्त एक्शन लिया जाए और साथ ऑफिशियल्स को ये भी कहा गया कि भाई उनके नादर ऑफिशियल्स को कि जैसे ये ऑफिशियल मिले तो आप उनके जो जो पासपोर्ट है या फिर उसके आइडेंटिटी कार्ड है वो ब्लॉक करें ताकि उनको एक सजा मिले उनको सबक सिखाया जा सके सही अच्छा हम ये ओवरसीज ट्रैवल की तो हमने बात की है इसमें कुछ लोग <coughs> जाहिर से मतलब क्या अभी मतलब क्या होता है जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं काम करने के लिए भेजते हैं वो जो बैक होम उनके रिलेटिव्स हैं उन तक एक इकोनॉमिक उनकी एक नई इनकम जनरेशन का मीडियम बनता है उसे

उसमें डेवलपमेंट uh, ये भी है कि दुबई के जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज़्म है उसके एक रीजनल हेड हैं प्रॉक्सिमिटी मार्केट्स के hmm. जिनका नाम बदर अल हबीब है उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं वो पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने एक्नोलिज किया है कि बहुत लूक्रेटिव uh, और बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं अब उनको ज़्यादा हमें भी पता है कि पाकिस्तान से बहुत लोग कल ही एक रिपोर्ट हम जिसमें बता रहे थे कि ना पाकिस्तानी जो एज ए सेवंथ लार्जेस्ट नेशन है जो दुबई में प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करती है वहाँ पे बिजनेस बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है काफी उसी कंटिन्यूएशन में जो उन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल <coughs> का जो एक स्टेटमेंट है आई थिंक वो काफी मायने रखता है कि उन्होंने कहा है कि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है इन दो सेक्टर्स में उसमें पाकिस्तानियों की बहुत अहमियत है उन्होंने hmm. एक्नोलिज किया है इस चीज को कि वो पाकिस्तानी के लिए बहुत अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रही में uh, होता रहता है, है exactly. तो uh, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन दुबई में है नॉट जस्ट नई बट जस्ट दुबई में वो दो के हिसाब से थी चार लाख लोगों की सिर्फ दुबई में चार लाख पाकिस्तानी हैं जो कि उस दुबई की टोटल पॉपुलेशन का तेरह परसेंट हिस्सा है तो भी, अच्छा भी उन्होंने कहा है कि दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस के दुबई इज अ परफेक्ट स्पॉट टू सेट अप अ बिजनेस फॉर अ पाकिस्तानी नॉट जस्ट सेट अप अ बिजनेस अगर उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है तो दुबई एक बहुत अच्छी मार्केट है एग्जैक्टली क्योंकि दुबई का जो उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म जो है वो वो हैंड है जाते हैं दुबई के तो इकोनॉमी चलती ही इस तरह से बाहर के लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी से टूरिज्म भी उनको मिलता है तो उन्होंने ये नॉलेज किया कि ये जो दो सेक्टर्स हैं इनमें पाकिस्तान का जो है और पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने की फोकस खुद भी रखा हुआ है पाकिस्तानी तो जा रहे हैं बट वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करें पाकिस्तानीज को इन दो सेक्टर्स में टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट में यानी दो तरफा प्यार चल रहा है इनका बिल्कुल वो हमारा चल चल रहा है और चलता रहेगा और होपफुली चलता रहे हो चलता ताकि यहाँ से जो लोग अगर जा रहे हैं जाना चाहते हैं तो उनको कोई उनके लिए कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो तो मतलब इनकम जनरेशन का एक तरीका बजाय लेबर आप लेबर फोर्स करने के वहाँ पे लेबर हमारा तबका जा रहा है वहाँ पे इनका में इन्वॉल्व है बजाय एक जो करंट नीड्स हैं आ, एक ग्लोबल नीड्स हैं ताकि वो ग्लोबल रेमिटेंस ला सकें मुल्क में उनको बेनिफिट हो सके वहाँ पे एक स्किलफुल वर्क हो जिसका फ़ायदा डिवाइड हो सके पाकिस्तान को वहाँ पे सो so, उन्होंने ये भी बताया कि जी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पिछले साल में सिर्फ ढाई लाख जो है बंदा गया था दुबई एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बात है उसमें उस उसके थ्रू उनको टूरिज्म में भी उनके उनके सेक्टर को फायदा हुआ तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इस तरह जो पाकिस्तान के के और दुबई के बीच में जो एक उन्होंने कनेक्टिविटी रखी हुई है दोनों दोनों आ, मुल्क और शहर के बीच में वीजा प्रोसेस भी बहुत आसान है फ्लाइट ऑपरेशन भी बहुत ईजी हैं ईजीली आपको मिल जाता है बट जिस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रिसेंटली फ्लाइट महंगी थोड़ी सी हो गई हैं वो अच्छा है लेकिन उसके उसके बावजूद उन्होंने अपनी तरफ से यूएई ने कम से कम जो है वो काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की है फ्लाइट ऑपरेशन के थ्रू वीजा प्रोसेस को स्ट्रीट करने के थ्रू और एक और उनके दोनों के बीच में एक प्रोग्राम चल रहा है कॉल

अच्छा ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अपने अगर आपको याद हो सेकंड जो हमारा एपिसोड <coughs> था उसमें हमने कुछ स्टार्टअप्स की बात की थी भिल्कुल, भिल्कुल। और स्टार्टअप को बताया था कि काफी बूम हुआ था उसके बाद लेफ़ भी हुए थे तो आ, उस वक्त हमने बात की थी चीते जो एक ऑनलाइन डिलीवरी एक ऐप डाउन शट डाउन कर रहा है वो अब आपको एक कंसर्निंग न्यूज मैं ये बताऊँ कि दराज जो ऑनलाइन ऐप है बहुत पॉपुलर ऐप है।, है वो अपनी ग्लोबली जो अपनी वर्क का 25 परसेंट तक ले ऑफ करने जा रहा है 25 फाइव और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जो उसके हैं तकरीबन 400 से 500 जो हाई रैंक एम्प